एवलॉन्च में आया था। इट इज वेरी रेयर कि आप एवलॉन्च में सर्वाइव करें। एक हमारे लांस नेक थे, दैट इज वन ऑफ द जूनियर मोस्ट रैंक्स। उस लड़के की हाजिर दिमागी ने हम 10 बंदों को बचाया था। ये हार्ड एरियाज में पोस्टिंग्स रही हैं आपकी? हाँ, मैं हार्ड एरियाज में रहे, वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस? मेरा जो हार्ड एरिया में दो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सैचन ग्लेशियर के हैं। ओह, ये तो और बड़ा, दोनों बड़े यूनिक से थे। एक दफ़ा मैं एवलॉन्च में आया था और इट इज़ वेरी रेयर कि आप एवलॉन्च में सर्वाइव करें। अच्छा। और वो जो आप अभी क्या हुआ था, अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि वो ट्रेनिंग आम आती या नहीं आती, मैं उस वक्त कैप्टन था और हमारी बचने की सिर्फ एक वजह जो बनी थी अल्लाह ताला बचाने वाले उनके बाद, कि एक हमारे लांस नेक थे जो कि नीचे से अगर आप सीनियरिटी वाले हैं तो दूसरा दर्जा होता है, दैट इज़ वन ऑफ द जूनियर मोस्ट रैंक्स। उस लड़के की हाजिर दिमागी ने हम 10 बंदों को बचाया था। क्या हुआ? वी वर मूविंग ऑन ग्लेशियर, एक रिज हम क्लाइम कर रहे थे, तो उसने ऊपर से एवलांच ट्रिगर होते हुए देखा। हम भी उसी मतलब कि वी वर जस्ट देयर जैसे वो ट्रिगर हो रहा था एवलांच। एवलॉन्च का फिनोमेना ये कि जब ऊपर से ट्रिगर होता है तो थोड़ी सी बर्फ स्लाइड करती है, देन इट की रोलिंग और फिर बहुत बड़ा हो जाता है। और हम उस वक्त जब उस एरिया में थे तो फ्यू ऑफ अस वी वर, वो एक बहुत बड़ी रॉक थी, उसका ओवर हैंग टाइप बनता था, तो 3-4 लड़के उसमें अभी गुजर रहे थे और बाकी हम लोग आगे गुजर चुके थे। तो हम जो आगे 5 बंदे थे, हम उसमें आ गए एवलॉन्च में। तो लड़के ने जब ये देखा तो उसने वो एक पत्थर बाहर निकला होता है तो उसके गिर्द अपने रोप को लपेट लिया। वो आप कहते हैं ट्रेनिंग काम आती है नहीं, तो वो हम रोप अप होके चलते हैं ना अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो, तो उसका फ़ायदा ये हो कि वो जो बर्फ थी वो हमारे ऊपर से गुजरती गई, हम स्टैटिक हो गए। अदरवाइज यू रोल विद द स्नो। उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी? लग रहा था, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रामेटिक, आई टेल यू द एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी। जब हम लोग उठे उससे बाहर निकल गए तो इतनी वो पाउडर टाइप स्नो थी ऊपर हमारे, दूसरा हमने वो जो लिबास होता है वो भी वाइट कलर का था, तो हमें खाली दूसरे की आंखों की पुतलियां नज़र आ रही थी कि ये बंदा सामने है। अच्छा। और एज अ कैप्टन हमारी जो गट फीलिंग थी वो ये था कि मेरे जो जवान हैं उनका क्या बना, मतलब कि द मोमेंट आई रियलाइज कि मैं बच गया हूँ तो द नेक्स्ट फीलिंग वाज कि यार मेरे साथ किधर हैं वो, किधर किस साल में वो, किस साल में। तो ये दिस इज एक जो कहते हैं ना कॉम्रेडशिप डेवलप हो जाती है ऐसा जी में, दैट यू आर मच मोर वरीड। अच्छा सर, हमने सुने सियाचिन जाते हुए रास्ते में कोई आपको शहदा भी मदद करते हैं रास्ते में, कहते हैं कोई ऐसे पैचेस आते हैं अंदर जिसमें रात के वक्त ट्रेवल करते हैं वो आपको गाइड करते हैं कुछ? नहीं, ये फिक्शन है, ये सारी। अच्छा अच्छा सर, अब जरा हम SSG से आ जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। आपने तेरी की तरक्की और कमाल की बुनियाद रखी, आपने बताया आगाज़ में कि रीज़न ये थी कि आपको हालात मुल्क के उन्होंने मजबूर किया, आप शौक से सियासत की तरफ नहीं आए। आप क्या समझते हैं, एक तो चलिए ये चीज़ है ना कि लोग कहते हैं कि जो तब्दीली है या बेहतरी है उसका आगाज़ इंसान को अपनी ज़ात से करना चाहिए, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि तहरीक तरक्की और कमाल के प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली देखें, जो आपने पहले बात की है ना कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका बनाने का मकसद ये था कि हम जिस जगह पे भी बैठते हैं ना, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम तो से आपसे बड़ी बात है, हर कोई बैठा हुआ क्रिब कर रहा होता है, शिकायत कर रहा होता है कि ये क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, ये क्या होगा। तो ऐसा कहने से तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। तो ये इसलिए होता है कि एक हमारे नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ बन गए, जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी हम नहीं देखते और नेगेटिव को और रीइंफोर्स करते जाते हैं। तो एक तो ये है कि इस कौम में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाना। अच्छा। कि यार इधर कुछ खराबी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कैसे आ सकती है सर पॉजिटिविटी? ये देखें, ये इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आप अपने पर्सनल एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल मैं अभी लोगों का तो यार ये सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना। आई अच्छा, वो मैंने आपकी कुछ तस्वीर देखी है, मेरी जो है ना वो लाइफ की जो है, जो प्रेफरेंसेज कह लें या वे ऑफ वर्किंग है, मैं कहता हूँ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईजी थिंग्स, ठीक है ना। सारे मुश्किल वक्त चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, शुरू में थक जाएंगे, एकदम ही K2 पे चढ़ने कोशिश ना करें ना, पहले इजी काम से शुरू करें और ऐसे काम से शुरू करें जिसमें इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अभी वो मैं जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं जिसको और कोई काम नहीं मिलता, कहता है जी सफाई करें, ठीक है ना। एक मुआशरा, किसी भी मुआशरे में जब आप जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो पहला इंप्रेशन उसकी अच्छाई या बुराई का जो आप पड़ता है वह कि वो शहर गंदा या साफ। हाँ, ठीक बात है, ठीक है ना। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। अगर शहर साफ होगा इसका मतलब है कि उस लोगों की ज़हनियत साफ़ होगी, वो मुआशरा पाक साफ होगा, वो मुआशरा डिसिप्लिन्ड होगा, दैट इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो मैं लोगों को कहता हूँ यार इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना, इसमें कोई रिजिस्टेंस नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कुछ नहीं है। लेट्स मेक एन एंडेवर कि हम साफ रहें, हम अपने माशरे को साफ रखें, अपने बच्चों को साफ हम रखें। फॉर एग्जांपल हम जो बेसिक हमारे ईस्टर्न वैल्यूज कह लें या वेस्टर्न वैल्यूज कह लें, वैल्यू लाइफ फील का जगह पर ठीक ही होती है। अभी किसी को सलाम करने का रवाज ख़त्म हो गया। आप गली मोहल्ले में जा रहे होंगे, किसी को आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो वो गौर से देखेगा आपको, यार ये मेरा जाने वाला तो नहीं है, तो उसने सलाम क्यों कर लिया।